होगी बेटा? मेरे पापा को सुबह 5 से 6 बजे के टाइम पे पापा को बुला के ले गई थी 3-4 जने और पापा ने मना कर देते थे, कह रहे थे राजीरामा के लिए मेरे साथ चल, राजीरामा होगा आज। फिर मेरे पापा ये कहने लगे, मेरे पापा साथ चलेगी, जब से नहीं आया। और कुछ फिर उसके बाद में वो घर पे कहने आए कि तेरे पापा वहाँ पे डले हैं। अब मेरे घर में कोई अन्य काम करवे भी नहीं है और छोटे छोटे बच्चे, बताओ हमें इंसाफ चाहिए, बताओ हमें इंसाफ देना बस। क्या घटना हुई है सुबह की? जी सुबह घर पे आए थे, चलो राजी रामा करेंगे। उससे पहले क्या घटना हुई थी? लड़ाई। शुरुआत लड़ाई कैसे हुई है? मैं दरवाजे पे चढ़ी थी, जितेंद्र और राजकुमार वो घर में घुस के छेड़खानी कर रहे थे। मेरा भाई बोला तो मैं खिंचाई, तो मेरे मम्मी और पापा को सबको मारा इनने, जितेंद्र ने, राजकुमार ने। कितने लोग आए थे? सुंदरी, राखी। अच्छा, लेडीज भी थी उसमें? हाँ सर, मीना लेडी भी थी। मीना, नाम बताओ, सबके नाम बताओ। फिर आपने उसमें 112 पे कॉल किया था? आई थी पुलिस, हमारी गई, कुछ सुनाई नहीं गई थी। आप थाने गए? थाने गए दरोगा जी, कोई हमारे, उसने हमारे ऊपर मुकदमा उल्टा डाल दिया। अच्छा, उल्टा आपके ऊपर मुकदमा लगवा दिया? क्या नाम है दरोगा जी का? पार्टी से पैसा ले ले, हमारी कोई सुनाई ना करे। वेदपाल। उसके बाद राजीनामा के लिए घर पे आए वो? आपके घर पे आए सवेरे थे, मेरे पापा को ले गए थे, फिर आए नहीं है मेरे पापा। फिर कहवे आए थे, कहते तेरे पापा मार डरे हैं। फिर हम रोते हुए गए थे, जीतन वो भाई मम्मी सब कह रहे हैं अब तो तेरे घर में तेरे पापा गए हैं, और तेरे घर में तो तेरी मम्मी और तेरे भैया सब उठाएंगे, अभी तो ऐसे ही होगा। अच्छा, वो कहने आए थे क्या तेरे पापा? कहने आए, ले गए। फिर वो कहवे आ गए, तेरे पापा रेल के नीचे डरे। मैं गोगा मॉडल। क्या कुछ मामला हुआ ये जो राजा की हत्या को लेकर? ये मामला जगदीशपुरा क्षेत्र में लगभग 15 दिन से चल रहा था। 15 दिन पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया, मैंने भी जानकारी दी। तो दोनों बच्चों में झगड़ा चल रहा था, एक बच्ची को लेके 18 साल की है, जो राजा है, जो व्यक्ति खत्म हुए हैं, उनकी बेटी है प्रीति, वो अपने दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। तभी बाबू और उसके जो साले हैं चार, वो आए नशे में, उसके बदतमीजी करने लगे, गाली उलझ करने देने, बोले तेरी रेट कितनी है ये सारी, मैं बोल नहीं सकता, अपनी बहन के नाते सामान है। तो इतने में ही चीख पुकार मस्ती है नीचे, तो वो ऊपर चढ़े चले जाते हैं वो सभी साथी। वो वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ मैं, नाम बता लगोगे कौन कौन? वो ऊपर चढ़े, राजकुमार, वो सभी लोग ऊपर चढ़े, उन लोगों को मारा, उन सभी को, इसको भी मारा, इसकी बहन को भी मारा गया, इसकी माता जी को भी मारा गया। मार के वो लोग वहाँ से भागे, और उल्टा जो वेदपाल जी हैं, जो डिवीजन चौकी के इंचार्ज हैं, उन्होंने 20,000 रुपये की इन लोगों से मांगी, नहीं दे पाए, तो इन्हीं के ऊपर उल्टा मुकदमा कर दिया गया। 354 का मुकदमा कर दिया, बल्कि पीड़ित बच्चे का ही मुकदमा होना जरूरी था, क्योंकि उनके पास साक्ष्य हैं, वीडियो फुटेज है, सब कुछ। फिर वेदपाल जी ने इनके ऊपर क्यों उल्टा मुकदमा किया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ वेदपाल जी से। वेदपाल जी भी अभी मौके पर यहाँ भी नहीं है, आप देख सकते हैं, जो इनके क्षेत्र में डिवीजन चौकी लगती है। आज जो सबको रख कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? इनकी ये मांगे हैं इन सभी लोगों की, कि एक तो वेदपाल जी को सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया, उनके ऊपर कार्रवाई हो कानूनी। और ये सभी लोग हैं राजकुमार, बाबू, पवन, बिट्टू, जितेंद्र, इन सभी लोगों को पकड़ा जाए और उनको गिरफ्तारी हो। लापरवाही इसमें जो डिवीजन चौकी इंचार्ज है वेदपाल, उनकी पूरी लापरवाही है, पूरी इनकी लापरवाही है। पहले मेरा पक्ष, ये पीड़ित पक्ष जाता है थाने, तो उनका मेडिकल छुड़ा लिया जाता है, उनको खाना पूर्ति 151 कर दिया जाता है। करने के बाद ये आपके पति का नाम, जिनका आपके पति थे वो? मेरे पति है राजा, मेरा नाम विमलेश है। क्या हुआ था इसमें मामले में? लड़ाई में क्या कहते हैं, जितेंद्र और भत्तू और राजकुमार मेरे घर में घुसे आई, मैं सब्जी बेच रही, और मैंने मेरी लड़की के ऊपर इज्जत लूटने की कोशिश करी, अंदर सब दीवार लगा ली, फिर राजकुमार ने मैं बाहर पकड़ ली, मेरी ईट मारी ना रही, नाक में लगी, तू अंदर नहीं जाएगी बंधू, और अंदर मेरे घर में घुसने के बाद देगा अंदर मेरी लड़की अकेली। फिर सवेरे क्या कहता है, मैं थाने जाते, हमारी कोई थाने में सुनाई नहीं करते, क्या कहते क्या कहता है, मैं कोई जाने लगा तुम्हारे कैसे सुनाई, दरोगा जी ने मीना पैसे पैसा ले ले, उसकी पार्टी बजाते, हमारी कोई थाना कौन सा है? थाना कौन सा है? जगदीशपुरा थाना है। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस में गए, पुलिस हमें भगा दे, तीनों कह दे थे हमारे यहाँ कोई सुना नहीं है, कोई ना। क्या नाम है थानेदार का पता है? थानेदार का नाम नहीं पता? दरोगा जी भगा दे थे हमें। अच्छा,
मीना के लिए पुलिस तो मैंने खरीद लिया, तू जा पुलिस को थाने को, कोई कुछ नहीं कर सकेगी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ सुबह के? फिर सुबह मेरा पति चा पी रहे, सुबह बंधु और जीतंदर और राजकुमार, राज को एक और लाए राजकुमार, रात ही नहीं आ रहे सब। चाचा ने मेरे गत्ते ले गए बुला के, ना कह रहे चलो राजीनामा करेंगे। कितने बजे की बात है ये? सुबह 5:30 की ट्रेन है। चाचा ले गए, कह रहे थे चलो राजीनामा करेंगे, मेरे पति संगे ले गए वो। फिर 7:30-8 की ट्रेन पर वहाँ जितेंद्र बत्तू को मोड़ा बुला रहे, कह रहे तो चाचा रेल के नीचे डरे कटे भाई। बस थोड़ी देर पीछे पुलिस वाले ने फोन करो, स्वयं बजे चले गए। फिर गैल में कह रही अभी तो तेरा आदमी गया, अभी तो तू जागी, तेरा लड़का भी जागा अभी तो। कौन बोल रहा था ये? उसकी लड़की और घरवाली मीना और सुंदरी और राखी, कह रही तीनों के तीनों, नीनो तीनों चारों कह रहे अभी तो तेरा आदमी गया, तू जागी अभी, तेरा पर लड़का जाग के चिंता मत करे अभी, अभी तो इन्हें वो गन पिटवा के दे रहा हम तो। पुलिस ने इस मामले में क्या कही? अभी जो पुलिस आई थी, जब ये पता पड़ा के वो कट गए हैं, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई ना करती, कोई सुनाई ना करता, पुलिस वाले ना थाने में ना यहाँ पर कोई सुनाई ना करता हमारी। फांसी होनी चाहिए, जैसे मेरा पति गया, ठीक ठीक है, जैसे मेरा पति की कार्रवाई ने, जैसे मेरे पति, फांसी होनी चाहिए। जब मेरे इसको निकालो, माल लगा दो पुलिस वाले में, ठीक बात है। अच्छा चल रहा था, वो लोग जो है समझौते के लिए ले गए थे बुला के घर से कि हम समझौता करेंगे, और वो वहाँ से हाथ पीट के छोड़ आए, उन्होंने आकर यहाँ पर इतला दी है तो तुम्हारे घर वाले माफ पड़े। किस बात को लेकर विवाद हुआ था, क्या शुरुआत हुई थी? किस बात बात जो पहले लड़ाई झगड़ा हो गया था, किस बात को लेकर विवाद? लड़की के ऊपर। अच्छा, तुम्हारी भांजी है, उसको एक लड़का गाली पकड़ा था। कुल लोगों से विवाद हुआ था? पड़ोसी थे। पड़ोसी थे, क्या क्या नाम है उनके? नाम तो अगर मुझे नहीं मालूम जो है, अगर बता। यहाँ आपने इसकी शिकायत जब विवाद हुआ था थाने में की थी? थाने में शिकायत करने गए थे ये लोग, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई थी। मगर यहाँ पर जो है यहाँ के प्रिंसिपल इंचार्ज हैं, उन्होंने जो भगा दिया यहाँ से, एफ आई आर भी नहीं की, कुछ भी नहीं की, मत लगा लो। तो हमारे पक्ष में आज तक कोई मुकदमा नहीं आया यहाँ तक। जो आप लोगों के खिलाफ उल्टा मुकदमा पंजीकृत हो गया था, तो वो किसने किया था? वो कौन पुलिसकर्मियों के द्वारा किया गया है? आज आप यहाँ पोस्टमार्टम से बॉडी आ गई है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए, दूसरी पार्टी को, और जो है जो यहाँ के बेतपाल जो दरोगा जी है, जो भी हैं इंचार्ज के थाने के, उनको भी यहाँ पर बुलाया जाए। क्या मानना है बेतपाल जो डिवीजन चौकी इंचार्ज है, उनकी लापरवाही सामने है? हाँ, उनकी लापरवाही है, उनकी बदौलत ही है। अगर गंभीरता से लेते तो आज ये हत्या नहीं होती। नहीं होती। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।